अब देखिए इसमें ये हमने जो आपको आई वाला था रिवाइज करा दिया फिर से थोड़ा सा, परसों बताया था मैंने, ठीक है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन कल और लेता हूँ, वन अपॉन आई की पावर है प्लस वन अपॉन आई की पावर एन प्लस वन, वन अपॉन आई की पावर एन प्लस टू, वन अपॉन आई की पावर एन प्लस थ्री। इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई किट, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो देखिए आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये तो आई की पावर एन ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको लिख लीजिए आई की पावर एन इंटू आई की पावर वन, इसको लिख लीजिए आई की पावर एन इंटू आई की पावर टू, इसको लिख लीजिए आई की पावर एन इंटू आई की पावर थ्री। अब वन अपॉन आई की पावर एन कॉमन ले लो, वन प्लस वन अपॉन आई प्लस वन अपॉन आई स्क्वायर प्लस वन अपॉन आई की पावर थ्री, ठीक है भाई। आई की पावर एन हमने इन सब में से कॉमन ले लिया। अब आप क्या करेंगे, फिर वो ये देखो आई की पावर वन है, ये क्या है आई की पावर वन, तो इसे आई से मल्टीप्लाई करो, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो आई आ गया। अब फिर से आप लोग ऐसे समझ लो, वन अपॉन आई, आई अपॉन आई, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही इवन पावर है। मल्टीप्लाई कब करते हैं, मल्टीप्लाई ओनली व्हेन वी हैव वन अपॉन आई की पावर ऑफ, तब मल्टीप्लाई करते हैं केवल जब हमारे पास वन अपॉन में आई की पावर ऑड हो। अगर डिनोमिनेटर में आई की पावर इवन है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में आई की पावर इवन है, जैसे यहाँ देखो आई स्क्वायर, तो अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई कब करेंगे, ओनली व्हेन वी हैव, तो ये आपका अब देखो यहाँ पे आ गया इंटू आई अपॉन आई, सही है भाई, ये आ गया। क्योंकि यहाँ पे फिर वो आई की पावर ऑड थ्री है, तो थ्री है तो ऑड पावर आ रही है, तो आई से मल्टीप्लाई है भाई। अब ये वन अपॉन आई टू दी पावर एन बाहर रख लीजिए, ये हो गया आई अपॉन आई स्क्वायर, ये हो गया वन अपॉन आई स्क्वायर, ये हो गया आई अपॉन आई की पावर फोर। इसे सॉल्व करो, हाँ भाई आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, ये आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से माइनस वन, और ये आई की पावर फोर को लिख लो आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनस आई हो गया, ये वन अपॉन माइनस वन माइनस वन, और ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो गया, ये कितना बचा भाई वन अपॉन आई की पावर एन वन माइनस आई माइनस वन, और ये प्लस आई, प्लस आई आ गया। ये देखो आई से आई कैंसिल हो गया, वन से वन, वन अपॉन आई की पावर एन इंटू जीरो, यानी कि रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो ये मैंने परसों भी बताए थे, फिर से मैंने एक आध क्वेश्चन और बता दिया ताकि आपके समझ में आ जाए। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें हमने ये कहा कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने कहा कि हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट माइनस 36 प्लस अंडर रूट माइनस के 25 प्लस अंडर रूट
माइनस 64, इसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई। तो आप क्या लिखोगे इसे, अंडर रूट 36 इंटू अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट 35 इंटू अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट 64 इंटू अंडर रूट माइनस वन। अब ये 36 तो 6 हो गया, और अंडर रूट माइनस वन क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन होता है आई। पुट अंडर रूट माइनस वन इज इक्वल टू आई, ये हो गया 5i, ये हो गया 8i, कितना आ गया आंसर 19i। ऐसे सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर ले, बताइए आ गया समझ में। अब हम इसमें ठीक है, अंडर रूट माइनस 36 को लिख लिया, अंडर रूट 36 इंटू अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस 25 को लिख लिया, 25 अलग कर लिया, एंड अंडर रूट माइनस वन इज टेकिंग सेपरेटली, अगेन अंडर रूट माइनस 64 यू कैन राइट इट अंडर रूट 64 इंटू अंडर रूट माइनस वन, दिस अंडर रूट माइनस वन दिस इज ऑल यू कैन राइट इट आई, दिस इज 99 राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड, जेड से रिप्रेजेंट करा जाता है, जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड। और जेड ए प्लस आई बी ऐसा नंबर जिसको हम दो पार्ट में लिख सकें, एक तो वो है जो रियल पार्ट है जिसमें आई नहीं आ रहा, और एक वो है जिसमें आई आ रहा है। ये देखो हमने जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा है, तो एक तो ए, ये ए कहलाता है रियल पार्ट, और जिसमें आई आ रहा है उसका कोफिशियंट बी, ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ ऐसा नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जिस नंबर को हम रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो तो कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा जेड इज इक्वल टू 5, तो आप लिख सकते हो 5 प्लस 0 आई, तो व्हाट इज रियल पार्ट, रियल पार्ट किसे कहते हैं, जिसमें आई नहीं है दैट इज रियल पार्ट यानी कि 5, एंड इमेजिनरी पार्ट जिसमें आई लगा हुआ है उसका कोफिशियंट, आई का कोफिशियंट क्या है 0, इमेजिनरी पार्ट इज 0। सो एवरी नंबर विच कैन बी रिटेन इन टर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी बोथ पार्ट दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन जेड है ए प्लस आई बी। अब अगर हम आपसे कहें कि इसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो पहली चीज हो गई, दूसरी चीज कॉन्जुगेट जेड बार, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना है आपको, तो आप क्या करते हो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन रिवर्स कर देते हो, जैसे रियल पार्ट तो ए है और इमेजिनरी पार्ट क्या था भाई बी, तो यहाँ प्लस आई बी है तो माइनस आई बी हो जाए, जेड बार, बार जो है इट इज द सिंबल ऑफ कॉन्जुगेट। और हाउ टू राइट द कॉन्जुगेट,
सिंपली इन्वर्ट द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट का जो साइन है उसको बदल दीजिए आप, और कुछ नहीं करना आपको। जैसे मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन द कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 4i इज क्या हो गया भाई 3 + 4i। तो जेड अगर हमारे पास 3 - 4i है तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो गया 3 + 4i, दिस इज द कॉन्जुगेट जेड बार। ठीक है भाई।